बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे चमड़े सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दिए गए, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए, कभी आह नहीं अपने धर्म से नहीं टूटे। ए जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट, इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, 22 बाजारों में मार कूड़े जल्लादों ने खाल मोच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं निष्ठा। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में सच्ची बात मानना, क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहे, ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया, कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ, तो बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने, भागे वो लोग उस समय महामहिम गुरुगादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे, उनकी चरण शरण में आए और कहा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो, पूरा चरित्र तो बड़ा है, कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था, उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए, बल विक्रम गुरुगादी में प्रथम से चला रहा है, उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की, स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि
बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले? उनका तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया, देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है, तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्ट परिस्थिति प्रकट की उसने, बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया, सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे मैं अपने राज्य का बादशाह था और मैं दे सकता हूं, अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है? कड़वे ही शब्दों से, तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके? और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो करि बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी उपजियो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह यही परसि न साके गही भगति भगवान। भाई मैं धन पाइयो हरि नाम। देखो भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है, मन मेरो धावंते छूटियो, अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है, करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से, तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसि न साके गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाइया, तृष्णा सकल विनाशी मनते निज सुख माही समाया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा, मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं, जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है,
सकल वासना नष्ट हो चुकी है, मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे, कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही, हमारे हृदय में नाम विराजमान है, मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा नहीं चूके, गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरु मुख से नाम नहीं मिला, तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्याप्ता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भये तीर्थ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे, जोग यज्ञ नहीं फलती मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ, आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे, कहु नानक ई विधि को प्राणी, जीवन मुकुत कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही, तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं याको, तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा, यदि गुरु कृपा नहीं हुई तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी, तैसे ही तुम ताही पिछानो, भगत हीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे, कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर।
लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संबत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना, उनको पिंजड़े से निकलवाया और कहा तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम। उन्होंने स्नान की इच्छा जागृत की और एक बट वृक्ष था उसके नीचे बैठे और गुरु साहब का ध्यान करते हुए जपुजी नाम का उनके यहाँ उसका पाठ किया और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सैयद आदम शाह नाम के उन्हीं के पार्षद ने, जो औरंगजेब था, गर्दन उतार दी। इन महापुरुषों ने या और भी धर्मावलंबी महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे। सोचो जरा, अगर ऐसी थोड़ी सी भी बात प्रतिकूल हो जाती तो भगवान पे संशय कर लेते हो। जरा इन गुरु साहब महापुरुषों की बात जरा ध्यान देकर देखो, अपने धर्म को नहीं त्यागा, भयानक पीड़ा पाई। ऐसे चमड़े सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दिए गए, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए। कभी आह नहीं, अपने धर्म से नहीं टूटे। बीच से आला चौराहे पर खड़े होकर के चलवा दिया गया, आला चलवा दिया, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोक रोक करके, लेकिन शब्द है राम राम राम। ए जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। उपासक इन महापुरुषों से, गुरुजनों से आगे चलने वाले जो महत्जन है उनसे ही निष्ठा प्राप्त करता है। निष्ठा का स्वरूप क्या है? अनुकूलता, प्रणाम नमस्कार नहीं, भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भागवतिक धर्म, महान धर्म को स्वीकार करके हर कष्ट सहा है। प्रह्लाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट, और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लागे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है, और सामर्थ्य इतनी कि भस्म कर सकते हैं, इतना भजन का तेज है। पर उन्होंने कभी कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान, दुनिया के जितने द्वंद हैं ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। उपासक देखो, अनुकूलता होती तो जय जय, प्रतिकूलता होती तो भाग पड़े। तुम कायर हो,
भगवत मार्ग के शूरवीर थोड़ी हो, नाम जापक धर्मनिष्ठ उनकी जय जयकार की जाती है। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं, ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, अगर धर्म में छूटे तो इसकी जय जयकार है, और अगर भोगों में छूटे तो बहुत ही जीव सब छोड़ रहे हैं भोगों में। धर्म निष्ठा का तो जिनका हमने पद सुनाया था पलटू बाबा का, मची नाम की कीच, इनका ऐसा प्रभाव था कि जहां ये नाम उच्चारण करते रोए बिना कोई नहीं रह सकता था, ऐसी करुणा थी इनके उच्चारण करने में, पर इनसे भी द्वेष करते थे लोग, इतना द्वेष किए कि एक दिन ये रात्रि में कुटिया में सो रहे थे, इनकी कुटिया में चारों तरफ से आग लगा दी। भौतिक शरीर तो वहीं दिखाई दिया, लेकिन भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में सुबह पाए गए। पार्थिव शरीर तो अयोध्या में ही रहा, पांच भौतिक जो कुटिया में जल गया, और वो दिव्य शरीर से जगन्नाथपुरी में भक्तों की मंडली के बीच में पाए गए। तो वहां उनसे पूछा कि आप अवध से कब आए, तो उन्होंने सुबह कहा कि आज ही रात्रि किया है, इतनी जल्दी कैसे आ गए। बोले अवधनाथ ने भेज दिया है, वहां पलटू नाम का एक जो शरीर था वो जल गया, तब पता चला कि दिव्य देह से भक्त मंडली में विराजमान है। ये निष्ठाएं ऐसे कोई थोड़ी कि जहां फूल माला चंदन इत्र खुशबू खान पान जय जयकार प्रणाम नमस्कार तो आप धर्मनिष्ठ हैं, और जहां प्रतिकूलता तो आप बदल गए, इसे निष्ठा नहीं कहते। जिस सर पर मनोपुष्प और दुग्ध का अभिषेक हुआ पूज्य पादुड़िया बाबा, उसी सर पर 6-6 इंच के गड़ासे चले, ओम पधार गए। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, 22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल नोच ली, लेकिन हरी बोल के सिवा शब्द नहीं निकला, इसे कहते निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, ये कोई निष्ठावान है। ये निष्ठा कैसे जागृत होती, सिर्फ गुरु कृपा से। जहां गुरुजनों की महिमा पढ़ी तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है, जो नाम प्राप्त हुआ है यही गुरु कृपा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि जिसकी विशेष कृपावती हरि की जागृत हुई हृदय में, उसकी नाम में श्रद्धा हो गई। बस ये बात पकड़नी है। ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने ये सार बात कही कि जिस पर हरि की विशेष कृपा वो नाम पकड़ लेता है, चाहे जो आप साधना करते हैं यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है। नाम जप नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है, जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है, और भी स्वाध्याय तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है जीवन में तो विश्वास कीजिए स्थिति आना बहुत कठिन है। प्रभु के मंगल में नाम का श्रवण और कीर्तन, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किंवा दासा नाम अवशिष्यते। जिनका नाम यदि श्रवण करने को मिल जाए, गायन को मिल जाए, तो हृदय निष्पाप और निर्मल होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर जिनके हृदय में भगवान का दासत्व जागृत हो चुका है और वो नाम स्वाद ले रहे, उनकी महिमा का क्या वर्णन। यन्नाम ग्रहणं अखिलान् श्रोत्रनात्मानमेव च
सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। आहा, जो प्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो जितने श्रोता होते हैं सब के पापों का नाश करके उनके हृदय को पावन करता है, तो उस उपासक को कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितनी कृपा प्राप्त होती है। जब जोर से राधा नाम उच्चारण कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, जिन जिन के कान में जड़ चैतन्य के सबका मंगल कर रहा है, ऐसे उपासक के हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जब उनके चरण प्रकाशित हो गए तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, जैसे सांप केचुल से कोई मतलब नहीं रखता, ऐसे महापुरुषों ने शरीर से कोई मतलब नहीं रखा। इसीलिए उनके शरीर को इतनी पीड़ा दी गई, उनके शरीर को कष्ट पहुंचाया गया, पर आह नहीं निकली, क्योंकि उस शरीर में नहीं है, उनका मन प्रभु के सच्चिदानंद सुख में है। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो भिलभ्यते। इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन, तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के, केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10 हजार वर्ष तक जप, तब कोई बात, यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो, ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन न हुई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। उनकी जिभ्या बड़ी पावन हो गई है, जिनकी जिभ्या में नाम चल रहा है, कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है, जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है, जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो, राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है, वो पूछता है का तुम, कौन हो तुम, मुक्ति रूपागतास्मी भवती कस्माद कस्माद ही श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि त्वदगंधान निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत। कौन है तू,
मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद, तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागताश्मि भवति कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्णचंद्र जी का, मैं उनके दासों को यह पद प्रदान करना चाहती हूं, मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए।